Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो के साथ मैं हूँ रुखसा शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज हेडलाइंस। आज़ादी इजहार राय की आड़ में मुसलमानों की तौहीन नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आज़म कहते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की हुरमत मुसलमानों के लिए बहुत अहम है। बोस्निया के सदर बोले पाकिस्तान और बोस्निया ने मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ दिया। कोरोना की दूसरी लहर, पाकिस्तान में कोरोना टेस्ट मस्बत आने की शरह 5% तक पहुंच गई। वायरस से एक ही दिन में मजीद 18 अफराद जान बहा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1313 नए केसेस की तशखीस हुई है। श्रीलंका से 44 पाकिस्तानी कैदी मुंतकिल। कैदी पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान मुहादे के तहत वापस लाए गए। कैदी अपनी बाकी मियाद पाकिस्तान की जेलों में गुजारेंगे। वजारत खारजा डॉक्टर आफिया से मुतालिक हकाइक से लाइलम रख रही है। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी कहती हैं वजीर आजम ने बारह याद दहानियों के बावजूद आफिया सिद्दीकी के मामले को नज़रअंदाज किया। रहम की अपील से मुतालिक मीडिया रिपोर्ट से मालूम हुआ। नैब दफातर में स्कूल कॉलेज खोले जाएं। कैप्टन रिटायर्ड सफदर कहते हैं चेयरमैन नैब जिद की बुनियाद पर मेरे खिलाफ इंक्वायरियाँ कर रहे हैं, अब वक्त है कि नैब कानून में तरमीम की जाए। पाकिस्तानी क्रिकेटर को आईपीएल खेलते देखना चाहता हूं, वसीम अकरम ने ख्वाहिश का इजहार कर दिया। कहते हैं खेल को सियासत का निशाना नहीं बनाना चाहिए, बाबर आजम और विराट कोहली के दरमियान कोई मवासना नहीं करना चाहिए। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर आला क्लीन क्वालिटी 75% फूड ग्रेड अल्कोहल नॉन स्टिकी और नॉन ऑयली फार्मूला आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। कनाडा में आपके पास डॉक्टर और लॉयर होना बहुत जरूरी है। हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा नाम जो है रिलायबल, ट्रस्टवर्दी एंड ऑनेस्ट। लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा 905-956-6699 फॉर फैमिली लॉ, रियल एस्टेट, विल्स और किसी भी तरह के एफिडेविट या पैरा लीगल प्रॉब्लम्स के लिए लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा 905-956-6699। पहली कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। कॉल लॉयर शिखा शारदा 905-956-6699। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। उनकी ज़ाते अक़दस की हुरमत मुसलमानों के लिए बहुत अहम है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बोस्निया के सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि गुस्ताखाना मवाद की तशहीर की मजम्मत करते हैं। आज़ादी इजहार राय की आड़ में मुसलमानों की तौहीन नहीं होनी चाहिए। हमने फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों के मामले पर बात की है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। रसूल की ज़ात की हुरमत मुसलमानों के लिए बहुत अहम है। Of a Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam causes the greatest pain to the Muslim community, and European powers, Western countries must understand that you cannot use freedom of speech as a weapon to cause Muslims pain by insulting a Prophet peace be upon him. वज़ीर आज़म ने कहा कि कश्मीर के मसले पर पाकिस्तानी मौकिफ की तायद पर बोस्निया के शुक्रगुजार हैं। दोनों मुल्कों ने तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में तआवुन का फैसला किया है। बोस्निया के साथ पाकिस्तान ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है और बोस्निया के दौरे की दावत पर शुक्रिया अदा करता हूँ। Finally, I want to thank His Excellency for his kind invitation for me to visit Bosnia. Thank Mr. Asad Jafar for the support by Bosnia to the stance of Pakistan regarding Kashmir. Bosnian government took a very principled stance, and they talked about the rights of the people of Kashmir. बोस्निया के सदर ने कहा कि दौरा पाकिस्तान पर बहुत खुशी हुई है। अक़वामे मुत्तहिदा के अमन मिशन के तहत पाकिस्तानी दस्तों ने बोस्निया में अहम किरदार अदा किया। हमने मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा तआवुन के माहदों पर दस्तखत किए हैं। दोनों मुल्कों ने मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ दिया है।
u Bosni i Hercegovini i imale misiju stabilizacije mira. I also have to thank you for all the assistance you provided to Bosnia and Herzegovina during the war, after the war. I have to thank you for sending your people with India, peacekeeping troops within the United Nations UNPROFOR and then stabilization force afterwards and helping Bosnia and Herzegovina recover in that way as well. कोरोना वायरस से मजीद 18 अफराद जान बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 6,867 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 3,37,573 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदादो शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,313 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,05,197, सिंध में 1,47,295, खैबर पख्तूनख्वा में 39,889, बलूचिस्तान में 16,000, गिलगित बल्तिस्तान में 4,306, इस्लामाबाद में 20,471, जबकि आज़ाद कश्मीर में 4,415 केसेज रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 45,41,392 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 26,565 नए टेस्ट किए गए। अब तक 3,16,060 मरीज सहतियाब हो चुके हैं, जबकि 747 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 18 अफराद जान बहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 6,867 हो गई है। पंजाब में 2,380, सिंध में 2,639, खैबर पख्तूनख्वा में 1,281, इस्लामाबाद में 224, बलूचिस्तान में 152, गिलगित बल्तिस्तान में 92 और आज़ाद कश्मीर में 99 मरीज जहाँ बहक हुए। श्रीलंका से 44 पाकिस्तानी कैदियों को पाकिस्तान में मुंतकिल कर दिया गया। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक मुल्क वापस लाए गए कैदी अपनी बाकी मियाद पाकिस्तान की जेलों में गुजारेंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। कौमी एयरलाइन PIA की परवाज़ 44 कैदियों को लेकर वतन वापस पहुंच गई। सरकारी ज़राए के मुताबिक ये 44 कैदी पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान मुआहदे के तहत वापस लाए गए हैं। हर कैदी के लिए इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के तहत मखसूस अहलकार परवाज़ में भेजे गए थे। सरकारी ज़राए का मजीद कहना था कि इस ज़मन में नादरा, FIA और दीगर मुतल्लिका इदारों के अहलकारों की खसूसी ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं। सरकारी ज़राए ये भी बताते हैं कि ये 44 कैदी अपनी बाकी मियाद पाकिस्तान की जेलों में गुजारेंगे। अमेरिका में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी ने कहा कि सेनेटर बाबर एवान के आफिया सिद्दीकी से मुतालिक बयान पर हैरत हुई है। रहम की अपील पर दस्तखत करने का मतलब इकरारे जुर्म है। वजारत खारजा अहले खाना को हकाइक सलालिम रख रही है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अपनी रहाइशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी ने बताया कि उन्हें आफिया सिद्दीकी की रहम की अपील से मुतालिक मीडिया रिपोर्ट से मालूम हुआ। वजारत खारजा अहले खाना को तफसीलात फराम नहीं कर रही, बल्कि इससे इल्म रख रही है। उनका कहना था कि अमरीकी वकला के मुताबिक रहम की अपील दायर करने के लिए इकरार जुर्म और निस्त सज़ा काटना ज़रूरी है, जबकि आफिया सिद्दीकी की सज़ा 86 साल है। इमरान खान ने वज़ीर आज़म बनने के बाद बारहा यकीन दानियों के बावजूद आफिया सिद्दीकी के मामले को नज़रअंदाज किया। उन्होंने कहा कि वह इस्लामाबाद जाकर सेंटर्स से मुलाकात करेंगी और उन्हें आफिया सिद्दीकी की वापसी के लिए कोरोना वायरस के बायस हमदर्दाना अपील दायर करने का मशवरा देंगी। साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ के दामाद और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर ने मुतालबा किया है कि अदालत नैब को बुलाकर पूछे कि इसकी क्या कारकर्दगी है। नैब के दफातर में स्कूल कॉलेज खोले जाएं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पिशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ के दामाद और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर ने कहा है कि चेयरमैन नैब के खिलाफ दरख्वास्त दे रखी है। उन्होंने कहा कि नैब 2.5 साल से मेरे पीछे लगा हुआ है, अब तक कुछ साबित नहीं हुआ। नैब को ख़त्म किया जाए, नैब के दफातर में स्कूल कॉलेजेस खोले जाएं। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने मजीद कहा है कि मेरे खिलाफ 300 इंक्वायरीज की गईं, जिनमें कुछ भी नहीं निकला। चेयरमैन नैब जीत की बुनियाद पर मेरे खिलाफ इंक्वायरियाँ कर रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि नैब को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, अब वक्त है कि नैब कानून में तरमीम की जाएँ। अरबों रुपये केस पर लग जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं निकलता। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक खिलाड़ी स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम का इंडियन प्रीमियर लीग IPL से मुतालिक ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहना है कि चाहता हूं कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के नए खिलाड़ी IPL का हिस्सा बने। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में।
वसीम अकरम ने भारतीय मीडिया को दिए गए हालिया इंटरव्यू के दौरान भारत में जारी आईपीएल से मुतालिक बात करते हुए कहा है कि उनका मानना है कि खेल को सियासत का निशाना नहीं बनाना चाहिए, मगर ये दोनों मुल्कों की हुकूमतों का मसला है जिस पर वो कुछ नहीं कह सकते हैं। वसीम अकरम ने कहा कि वो इस बात पर अफसरदा हैं कि पाकिस्तानी खिलाड़ी आईपीएल खेलने का मौका गंवा रहे हैं। वो पाकिस्तानी नए टैलेंट को आईपीएल खेलते देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पाकिस्तानी खिलाड़ी आईपीएल और भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तान सुपर लीग खेलें। वसीम अकरम ने अपने इंटरव्यू के दौरान भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम से मुतालिक बात करते हुए कहा कि उनकी ख्वाहिश है कि बाबर आजम अपने हम मनसब भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली की तरह खेल में मजीद मुस्तकिल मिजाजी का मुजाहरा करें। उन्होंने मजीद कहा कि वो बाबर आजम और विराट कोहली के दरमियान कोई मवाजना नहीं करना चाहते, मगर वो कहना चाहेंगे कि बाबर आजम एक गैर मामूली सलाहियतें रखने वाला खिलाड़ी है। बाबर ने सभी क्रिकेट फॉर्मेट पर खुद को मनवाया है। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद। सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन।